16 का डिवाइड करना है किसमें, 123 में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 123 डिवाइड 16 या 123/16। 16 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना करो, क्या यह 16 से बड़ा है? नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब बड़ा है, यस। 16 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 123 से बड़ा नहीं है? सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें। तो आपने 16 को गुणा किया किससे, लगाओ दिमाग, दिमाग लगाते हैं। देखिए, इसको हमने गुणा किया 7 से, 7 संग 42, 4 के रह गए, 7 4 11, ठीक है। तो भाग गया कितना, 7 बार, आ गया कितना, 112। फिर हमने माइनस किया, 11 आ रहा है। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, जब यहाँ कोई भी डिजिट नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। अब हमने 16 को गुणा किया 6 से, ये आ गया 96, तो डिवाइड हो गया 6 बार, आ गया 96। फिर हमने माइनस किया, कितना आ रहा है, 14। चूंकि पॉइंट लगा रखा था, इसके साथ 0 लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखें, पॉइंट केवल एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते जाएंगे। ओके, अब हम इसको जैसे 16 को 8 से गुणा करते हैं, 8 संग 48, 4 के रे आ गया, 8 और 4 कितना, 12। तो भाग हो गया कितना, 8 बार, आ गया 128। फिर माइनस किया, कितना आ गया, 2 और 1, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से ये डिवाइड चलता रहेगा। ये आपका भागफल है, जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये चीज़ें आपके लिए और क्लियर होती जाएगी।